हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट देसी स्टाइल में नूडल्स। नूडल्स बनाने के लिए हमने हरी मिर्च काट ली है, ये पत्ता गोभी है, ये प्याज है और ये मटर है, और ये हमने टमाटर कट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने कुकर चढ़ाया बड़ा वाला और इसमें पानी गर्म कर रहे हैं। एक प्लेट में हमने ये नूडल्स निकाल के रख लिए हैं। अब ये पानी गर्म हो जाए तो हम इस नूडल्स को पानी के अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं पानी खोल गया है। अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स। अब ये नूडल्स अच्छी तरह से इसमें पक जाए, एक और खोल आ जाए, फिर इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं नूडल्स हमारा अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए आप, ये पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे और पानी निथाल लेंगे। हमने नूडल्स को इसमें निकाल लिया है, इसमें पानी निथर गया। अब हमने कढ़ाई भी चढ़ा ली, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तेल। अब तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भुन गया है। हरी मिर्च डालेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे प्याज, कांदा। प्याज को कुछ लोग कांदा भी बोलते हैं और हम लोग प्याज बोलते हैं। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारी प्याज भून गई है। अब इसमें हम डालेंगे मटर। आप देख सकते हैं मटर अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पत्ता गोभी भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह से भुन गए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसमें डालेंगे कलर मिर्च। और अब इसमें डालेंगे नमक। अब इसमें डालेंगे नूडल्स। अब इसको अच्छी तरह से चला लेंगे।
हमने एक पैकेट मैगी मसाला डाला है क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है इसमें। आप देख सकते हैं हमारा देसी नूडल्स बनके तैयार हो गया है। आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट करें और पूरा वीडियो देखें। थैंक यू।